नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। और आज हम लोग शूटिंग पे हैं, संजय जी शूटिंग पे आए हैं हम लोग का इंटरव्यू लेने के लिए। और आज इस फिल्म का सैड सॉन्ग है जिसमें मैं काफ़ी सैड हूँ, काफ़ी उदास हूँ, और गाने का शूट कंप्लीट कर रहे हैं। क्या बॉयफ्रेंड भाग गया है या कुछ और हो नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं भागा है, शादी तो हो चुकी है। हस्बैंड जो है वो बाहर कमाने के लिए जा रहा है, क्योंकि बहुत पुअर फैमिली का दिखाया है, तो मैं उसके याद में रो रही हूँ, गाना गा रही हूँ ये सब। क्या नाम है उस शख्स का? वो है रितेश पांडे जी, जो मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा रोल है उनका, और मेरा इसमें मैरिड कैरेक्टर है। काफ़ी सस्पेंस है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, मूवी आप लोग देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अभी बता दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा इसलिए। मतलब कि रितेश पांडे आपके हस्बैंड है, आप शादी कर लिए उनसे? हाँ, शादी भी तो अभी तो मैरिड हूँ। बधाई हो मैडम, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू, शादी के लिए। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बाकी काफी कलाकार हैं उनके बारे में? बाकी सभी कलाकार बहुत अच्छे हैं, सब लोगों ने अपना 100% दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मूवी सबको बहुत पसंद आएगी, और अभी बस गाने बचे हैं, बाकी तो शूटिंग कंप्लीट हो गई। हम लोग को शूटिंग करके बहुत मज़ा आया। और कौन कौन से कलाकार हैं फिल्म में आपके? मेरे डैडी का रोल जो प्ले किए हैं वो अमित शुक्ला जी, जो काफ़ी काम किए हुए हैं, मज़े हुए आर्टिस्ट हैं। और मेरी माँ का कैरेक्टर जो की थी वो कलकत्ता से एक एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी। और बाकी सारे लोग हैं, अभय जी हैं, अभय तिवारी जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। रितेश जी तो एक्टर हैं ही, काफ़ी अभय फेमस तिवारी का एक्टर क्या हैं। आपके फिल्म के अंदर संबंध है? उसमें कैरेक्टर उनका ऐसा है कि मेरे हस्बैंड जब चले जाते हैं काम करने के लिए, तो मेरे लिए पैसा भेजते हैं वहाँ से, और मुझे स्टडी करना रहता है आगे और पढ़ना रहता है, तो उसी दौरान ये मुझे मिलते हैं। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस है, काफ़ी सस्पेंस है जो मैं अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि अभी बताऊंगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा बाद में मूवी देखने के बाद। अभय तिवारी जी नए इंडस्ट्री में लॉन्च हुए हैं, कुछ कहना चाहेंगे कैसा रहा काम करके उनके साथ आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बहुत अच्छे एक्टर हैं उनके साथ काम करके। ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया है, और एज ए प्रोड्यूसर कोई एटीट्यूड नहीं था, काफ़ी सपोर्टिंग थे, तो इसलिए अच्छा लगा। फिल्म में समर चतुर्वेदी जी भी हैं, जी क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? उन्होंने भैया का रोल किया है और भाभी का रोल किया सोनिया जी ने, तो काफ़ी दमदार रोल था उनका। आपके भाई वो हैं मेरे वो लगते हैं जेठ जी, जेठ जी कुछ तंग नहीं करते आपको? नहीं वो तो बड़े सीधे साधे थे मूवी में, और मेरी जो भाभी जो जेठानी होती है ना, वही ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, और ज़्यादा बीच बीच में पिन मारती रहती है, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़। मतलब ये मूवी देखने के बाद आप कहीं बोर नहीं हो सकते, आपको लगेगा कि इसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सस्पेंस काफ़ी है। फिल्म के डायरेक्टर राजू जी पहला बार आप काम कर रही हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस उनके साथ? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे हैं राजू जी, और उनको काम करते टाइम कभी उन्होंने डांटा नहीं, और काफ़ी सपोर्ट किया, सीन को बहुत अच्छे से समझाते हैं, और काफ़ी अच्छा फ्रेमिंग करवाया था उन्होंने। तो फिल्म की अधिकतर शूटिंग कहाँ की है आपने? अधिकतर शूटिंग तो कलकत्ता में हुई थी और मुंबई में, और अभी डिसाइड नहीं हुआ है, गाने जो बाकी है वो लोग कहाँ करने वाले हैं अभी तक डिसाइडेड नहीं है, बट आई होप कि अच्छे जगह पे ही कैसा लगा होगी। आपको फिल्म का पूरा गाना, कैसा लगा आपको? सारे गाने अच्छे हैं, किसी को खराब नहीं बोल सकते, और कोई किसी से कम नहीं है, सब गाने बहुत अच्छे हैं। फिल्म में दीपक सिन्हा जी भी हैं, वो आपके साथ क्या संबंध है उनका? दीपक जी का वो जो है वो एक्चुअली उनका जो रोल है इसमें मोनिका के फादर बने हैं, मोनिका दूसरी हीरोइन है, तो बहुत रिच कैरेक्टर है उनका, और रिच है तो मालदार पाया है, तो कुछ मालूम किया है उनसे? मालदार नहीं, मेरा तो कुछ है नहीं उनके साथ ऐसा, पर मोनिका उनकी जो बेटी है वो मेरे हस्बैंड से प्यार करने लगती है, तो वही सब तो नोक आप झोंक किसी है। और से प्यार करने लगती है? नहीं मैं तो मैरिड हूँ, शादीशुदा हूँ। मतलब शादीशुदा औरतें किसी से प्यार नहीं कर सकती है? कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती है, शादी के बाद भी प्यार हो सकता है। हो सकता है। तो आप किसी से हुआ? फिल्म में बात बात कर रहा हूँ। फिल्म की बात कर रही हूँ, नहीं वो बाद में मैं बहक जाती हूँ, पूरा नहीं बताऊँगी अभी, काफ़ी सस्पेंस है जो रितेश जी का है, बीच में एंट्री है, बहुत सारी नौटंकी होती है, ड्रामा होता है, फिर बाद में है कुछ चीज़ें मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि बाद में बताना मूवी फिल्म में देखेगी। अभय तिवारी जी को लॉन्च किया, जरा मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हाँ ज़रूर ज़रूर, ये रहे अभय जी। नमस्कार अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे आप? जी मस्त है सर। आईसीबी बहुत बुराई कर रही है अभी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या नहीं, बात एक्चुअली है, क्या है कि बुराई तो करेंगी क्योंकि अभी आपने हस्बैंड से ज्यादा प्यार करते, बीच में मैंने एंट्री मार दिया है तो बुराई का पात्र तो मैं सर हो ही गया हूँ। अच्छा, मतलब आप इस फिल्म के विलेन बन गए हैं?
हाँ जी विलन तो हुई मैं इस मूवी में विलन, लेकिन सॉफ्ट विलन हूँ सर मैं। कैसा रहा आयुषी जी के साथ काम करके आपको? जी बहुत अच्छा। बेसिकली मैं बताऊँ, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये मेरी पहली मूवी है और पहली मूवी में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो जहाँ तक मुझको मालूम है कि अगर आयुषी जी नहीं रहती तो मुझको बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता सर, क्योंकि बहुत सपोर्ट किया इन्होंने। नहीं, वो एक कम्फर्ट जोन होता है जो हर किसी के साथ नहीं हो सकता है, और सबके साथ नहीं होगा और किसी किसी के साथ ही होता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं अगर काम कर रही हूँ तो मेरा जो को एक्टर है वो मेरे साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि जो भी सीन है ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर अच्छा करूँ और को एक्टर अच्छा नहीं करे तो अच्छा सीन होगा। इसलिए दोनों को 100% देना बहुत ज़रूरी होता है और हमेशा कम्फर्टेबल फील कराने की कोशिश करती हूँ सीन में। मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, बिहार में सीतामढ़ी से। आप लोगों ने सुना होगा सीतामढ़ी में बहुत अच्छी इंडस्ट्री है भोजपुरी की। और अभी मैंने काम किया है मूवी में, शेर सिंह की है, पुलिस गिरी, सड़क, धनिया, जो मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई धनिया और सड़क, जिसमें राजू सिंह माही थे, सोनालिका प्रसाद और भी बहुत सारे एक्टर थे हैं। और आने वाली फिल्म चैंपियन एक रिलीज़ हुई है, शेर सिंह रिलीज़ हुई है, और आने वाली फिल्म एक दिल तुझपे कुर्बान और भी है। जी सर, मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश देवरिया डिस्ट्रिक्ट का हूँ, बॉर्न इन मुंबई हूँ सर, लेकिन बेसिकली कहा जाता हूँ तो यूपी का ही मैं। और इंडस्ट्रीज में ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहली बार आया हूँ, आज से 8 साल पहले मैं यहाँ से चला गया था, उस समय सफलता नहीं मिली। और फिर जाने के बाद से मुझको 8 साल बाद मैं जब यहाँ से रिटर्न गया तो फिर मैंने बिजनेस की संभाला अपना। बिजनेस संभालने के बाद से जब मैंने अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर लिया तो मुझको ऐसे लगा कि अब जो अधूरा अरमान है, जो सपना है, उसको पूरा कर लेते हैं। तो फिर मैंने बैक एंट्री मारी है। कैसा लगा भोजपुरी इंडस्ट्री में आकर? जी बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आपको बता दूं कि दिल तुझपे कुर्बान के बाद मैं नेक्स्ट 10 अप्रैल से मेरी पूरी यूनिट जो है भैया नीलकंठ, शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, भैया नीलकंठ की शूटिंग पे हम लोग यूपी जा रहे हैं देवरिया डिस्ट्रिक्ट में। तो सफ़र बहुत अच्छा है सर भोजपुरी का, और हम लोग तो यही चाहेंगे कि रुद्रा फिल्म्स के बैनर तले हम लोग भोजपुरी का जो एक स्टैंडर्ड है उसको बहुत ही ऊपर तक लेके जाएं सर। आज आप मुंबई के मड आइलैंड में शूटिंग कर रहे हैं और पूरे देश में कोरोना को लेकर के त्राही मचा हुआ है। जी जी जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या कि हमारे एसोसिएशन की तरफ से हम लोग को आज का और कल का डेट मिला था, और मेरी ये मूवी का ये जो सॉन्ग है हम लोग ने पहले से सेटअप कर लिया था कि आज के दिन इसको शूट करना है। तो हम करने के बाद से एसोसिएशन या फिर गवर्नमेंट जैसा भी इंस्ट्रक्शन देता है हम लोग उसको फॉलो करेंगे सर। हमारा सिर्फ यही कहना है कोरोना से अवेयर रहिए, सैनिटाइजर यूज़ कीजिए, माउथ का वो क्या बोलते हैं उसको, मास्क लगा के निकलिए। आयुषी जी आप कहेंगे? हाँ, मैं यही कहूँगी अपने दर्शकों को कि सब लोग अवेयर रहें और मास्क पहन के बाहर जाएं और सेफ रहें। ये तो मास्क पहन के सीन भी कर ले रही है। मैं सीन भी करने वाली थी मास्क पहन के, फिर मैंने डायरेक्टर डांस मास्टर संजय करो जी डांस आपको सिखाने को पूरा कर रहे हैं, कैसा रहा उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, उनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और बहुत अच्छी ट्यूनिंग है मेरी उनके साथ में, क्योंकि वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और सारे स्टेप्स ऐसे होते हैं जो जल्दी कैचिंग में भी हो जाता है, इसलिए उनके साथ मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूं। सर भोजपुरी इंडस्ट्रीज में मैंने ऐसा कोरियोग्राफर देखा नहीं है सर, हर एक स्टेप हर एक एंगल मतलब कुछ नया कुछ बोलने नया भी ट्राई मतलब, करना चाहते हैं जी, हमेशा हर एक स्टेप में कुछ नया होता है उनके।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.